जय हिंद। का हाल चाल है मेरे भाई? हम हैं संतोष यादव। अगर आप एक स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो और साथ में बॉडी बनाना चाहते हो, फिट और तगड़ा रहना चाहते हो, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। पढ़ाई के लिए और कोचिंग के लिए तो पैसा मिल जाता है, जिम या डाइट के लिए पैसा मांगे तो घर वाले बहुत ही डांटते हैं, कहते हैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, बॉडी बना क्या उखाड़ लोगे। लेकिन तुम तो समझ ही सकते हो, हेल्थ इज वेल्थ। लाइफ में अगर सच में कुछ उखाड़ना है, बिना आप अच्छी फिटनेस और हेल्थ के कुछ भी नहीं उखाड़ पाओ। कोई बात नहीं हमारे भाई, एक ऐसा तरीका जिसको तुम फॉलो करके बहुत ही कम पैसे में एक अच्छी खासी बॉडी बना सकते हो। कौन तरीका जो तुम फॉलो करोगे और तगड़ी बॉडी बनेगी, आइए बात। ले फिर आ गए। देखो भैया, कौनो भी बंदा अगर बॉडी बनाता है, दो इंपॉर्टेंट चीज है जो अगर आप सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से अपने ऊपर अप्लाई करोगे ना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। पहली चीज है वर्कआउट। दूसरा चीज है डाइट। वर्कआउट के नाम पे दिमाग में जो चीज आता है ना, वो है जिम, और जिम में लगता है पैसा। जब भी आप जिम में घुसोगे, एंट्री मारोगे, आपके मुहुआ पे, आपके हथवा में एक मेनू कार्ड थमाए देंगे, मेनू कार्ड आपके मुहुना मार देंगे, और उसमें लिखा रहेगा 1200, 1500 या 1000 का एक महीना, और 3 महीना के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 2500 या 3500 या 4500। या तो भैया आप 1000-1200 दे के मेहनत करने के लिए जिम ज्वाइन करो, या कि स्मार्ट तरीके से जब टाइम मिले, जहां टाइम मिले, जो जगह मिले, जहां जगह मिले, स्मार्ट तरीके से ट्रेनिंग करना सीख लो। जौन पैसा तुम जिम में फूकने वाले हो, वो पैसा अपने डाइट पर लगाओ। हम लोगों के या आपके बॉडिया को जिम उम से मतलब नहीं है, हमारे बॉडियों को चाहिए ट्रेनिंग, वर्कआउट चाहिए। अब वो वर्कआउट चाहे जिम में करो, घरे करो, छते करो, जंगल में करो, दुनिया कोनो कोने में तुम वर्कआउट करोगे, बात एकदम सेम है। दुनिया में हजारों प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, लेकिन लोग जिम के अलावा और कुछ जानते नहीं है। एक ऐसा ट्रेनिंग है जो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देता है, और कहीं भी दुनिया कोनो कोई ट्रेनिंग, होम वर्कआउट बोल सकते हैं इसको, और एक तगड़ी भाषा में बोल सकते हैं देसी वर्कआउट, जो कि सबसे पावरफुल होता है। कैसे करना है, जो मैं करता हूं, अपने बच्चों को करवाता हूं, अपने स्टूडेंट लोगों को करवाता हूं, और उनके अंदर स्टेमिना, पावर, ओवरऑल फिट और मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है, वो कैसे करना है भैया, पुश पुल लेग वर्कआउट। ये आप जिम कर सकते हो और घरे भी कर सकते हो, और ये वर्कआउट ऐसा है ना, तुमको 100% रिजल्ट देगा हमारे भाई। कैसे करना वर्कआउट में, तुम्हें पहला काम क्या करना है, तुम्हें पुश पे ध्यान देना। पुश मतलब कोई भी चीज हम लोग पुश कर रहे हैं, जैसे पुशअप हो गया, तो कुछ ऐसे पुशअप है जो आपको अपने रूटीन में ऐड करना होगा। और पुशअप के बारे में बात करें, पुशअप अपने आप में खुद ही स्पोर्ट है, दुनिया कोनों कोने में पुशअप करके पवार सकते हो। और तुमको पता है, अपर बॉडी को फाड़ के फेंकने के लिए पुशअप से अच्छा कुछ होता नहीं है। देखो हजारों प्रकार के पुशअप होते हैं, लेकिन हमको कौन कौन करना है बता देते हैं तुमको। पहला पुशअप तो कभी छोड़ना है ना, जो मैं बताने वाला हूं, वो है भैया रेगुलर पुशअप। रेगुलर पुशअप से क्या होता है ना, आपकी चेस्ट, ट्राइसेप और तुम्हारा शोल्डर, तीनों को टारगेट करके रख देता है, तो इसे तो हम मिस नहीं कर सकते। लेकिन सही तरीके से करो। अब तुम जिम नहीं जा रहा तो घर पे सही तरीके से ट्रेनिंग करोगे, तभी तो फायदा होगा, तभी तो बॉडी बनेगी। तो पूरा नीचे जाना है, एंगल सही रखना, ऊपर आना है, नीचे जाना है, ऊपर आना है। ये जो फॉर्म देख रहे हो ना, ये है रेगुलर पुशअप। अपने हाथ जो है शोल्डर से थोड़ा बाहर रखो और सही तरीके से करो, फोकस स्टार्ट करो, 3 से 4 से रेगुलर पुशअप करो एक बार में, 12 से 15 जितना आपसे होने का प्रयास हो रहा है ट्राई करते रहो, डे बाय डे बढ़ाने का प्रयास करो। जो बोलते हैं साला ढोला नहीं है तो मतलब क्या बॉडी बनाने का, तो भैया ये वाला पुशअप ट्राई करो, जिसको बोलते हैं क्लोज ग्रिप पुशअप, और कुछ लोग बोलते हैं डायमंड पुशअप। एक होता है क्लोज ग्रिप, ऐसे ऐसे हीरक नहीं बनाए दोगे ना, हो जाएगा डायमंड पुशअप। नीचे जाओ, अपनी चेस्ट जो है अपने हाथों में टच कराओ, ऊपर आकर इसे फाड़ दो, नीचे जाओ टच कराओ, ऊपर आकर इसे फाड़ दो। इसे आप करेंगे ना, आप कहेंगे वाह यार, चेस्ट तो साली ऐसी लगती है, हमेशा पंप रहती है, ट्राइसेप साला ऐसे फटा जा रहा है। 3 से 4 सेट इसको भी ऐड करो, लेकिन डे बाय डे बढ़ाने का प्रयास करो। 10 से 15 तो अभी आप कर रहे हो, लेकिन उस पर रुके नहीं रहना है, डे बाय डे प्रोग्रेस करनी, तभी तो बॉडी बनेगी। सर का जो पुश वर्कआउट है वो है भैया पाइक पुशअप। पाइक पुशअप इज बेस्ट फॉर योर शोल्डर्स एंड बैक। कैसे करना है, ऐसे पिछवाड़ा उठाए लो और वी आकार में हम लोग पुशअप करेंगे। देख लो कैसे पोजिशन है पाइक पुशअप का, ऐसे करना है। अब जैसे शोल्डर प्रेस करते हैं ना, जैसे मिलिट्री प्रेस करते हैं ना, उसी कार्य का नेट है ये। लेकिन ये पुशअप करने से आप देखेंगे ना, आपकी अपर बैक भी ट्रेंड होगी, उसके साथ साथ आपका पूरा ओवरऑल शोल्डर फाड़ के फाइके। पोजीशन देख लिया कैसे करना है, एकदम आगे जाना है, ऊपर लाइक एकदम पूरा शोल्डर को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो भैया स्ट्रेचिंग पर ध्यान दो। आधा रेप्स मार रहे हो, आधा ही जा रहे हो, तो समझ लो कि आपकी मसल पूरी टारगेट कहाँ हो रही है। नीचे जाओ, ऊपर आके पूरा स्ट्रेच करो, इसको भी लगाओ 3 से 4 सेट, एक सेट में आप लगा सकते हो 12 से 15। वर्कआउट में जो दूसरा का स्टेप है ना, उसे बोलते हैं पुल वर्कआउट। पुल वर्कआउट में क्या क्या आता है, तुम्हारा बैक आ जाता है, तुम्हारा बाइसेप आ जाता है, कोई भी चीज़ जब हम लोग खींचते हैं ना, उसे बोलते हैं पुल वर्कआउट। कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पुल वर्कआउट में घरे एक ही चीज़ है जो वन ऑफ द किंग चीज़ है, वो है भैया तुम्हारा पुलअप। कई तरीके पुलअप करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। एक पुलअप से हम लोग बैक बना सकते हैं, एक पुलअप से हम लोग बैक और बाइसेप दोनों बना सकते हैं। पहला पुलअप जो हम लोग कर रहे हैं, वाइड ग्रिप पकड़ रहे हैं, समझ रहे हो ना, और सीधे ऐसे ग्रिप पकड़ के पूरा ऊपर जा रहे हैं और पूरा नीचे जा रहे हैं, पूरा ऊपर। ऊपर जाएंगे ना तो बैक मसल को स्क्वीज करो, नीचे आओ स्ट्रेच करो, ऊपर जाओ स्क्वीज, स्क्वीज मतलब लोड डालो, फुलाओ, नीचे आओ स्ट्रेच कर दो। 3 से 4 सेट लगा दोगे ना, और एक बार 5, 8, 10 जितना हो करने का प्रयास करो, हार नहीं मानना है। तुम्हारी पूरी बैक
फट के बाहर आ जाएगी। ये बैग साली पुलपाई से बनी है, जो हमारी बन सकती है मुझे ऐसे झंडू इंसान की बन सकती है। तुम्हारी कहानी नहीं बनी कि भाई 3 से 4 सेट ऐड कर लो, रिवर्स ग्रिप में मीडियम ऐसे पकड़ना, तुम बार को ज़्यादा दूरी पर नहीं ज़्यादा नज़दीक पर नहीं मीडियम पकड़ना और ऐसे करना, जिसे बोलते हैं आर्मी वाला जो पुलअप है, ई करने का प्रयास करो। इससे तुम्हारा लोअर बैक और तुम्हारा बाइसेप्स दोनों चीर के फैलेगा, दोनों फाड़ेगा, दोनों पंप कर देगा, दोनों पर वर्कआउट होगा। ये तो ऐड कर लो, ये दो ही पुलअप अगर आप करने लगोगे ना, आप देखोगे आपका बाइसेप भी टारगेट हो गया, आपका बैक भी टारगेट हो गया। कहने का मतलब है पूरी अपर बॉडी हमने फाड़ के फेंक दी, हमने ट्रेन करके फेंक दी, पुश तो हो गया, पुल भी हो गया, अब लेग बचा है। लेग वर्कआउट में क्या करोगे, सबसे किंग चीज कर लो ना वो है स्क्वाट। स्क्वाट मतलब दंड बैठक। दो तीन तरीके के दंड होते हैं, एक होता है नॉर्मल दंड, जो भी मैं देख रहा हूँ कर रहा हूँ इसको बोलते हैं नॉर्मल दंड, ये दुनिया कोनों कोने में कर सकते हो, पूरे लेग को फाड़ के फेंकेगा। दूसरा क्या होता है पहलवानी दंड, पहलवान लोग जो करते हैं, पहलवानों का जंघा देखो कितना मोटा मोटा रहता है, वो कहीं जिम फिम में ज़्यादा वेट फेट नहीं मारते। पहलवानी स्क्वाट कर लो जिसे हम कर रहे हैं, इसको भी आप 3 से 4 सेट लगाओ, लेकिन भैया पहलवानी दंड या इसे फ्री वेट अगर स्क्वाट कर रहे हैं आप, इसमें मतलब ये है कि एक बार में आपको हाई रेपिटेशन मारना है, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, एक एक से पहलवान है एक बार में 500 दंड मार देते हैं, पावर आ जाती है इससे। ट्राई करो, हफ्ते में एक दिन लेग वर्कआउट जरूर करो। जौन लोग लेग वर्कआउट नहीं कर रहे ना, बहुत बड़ी लंठाई कर रहे हो, तो गाड़ी तो बड़ी ले लिए, टायर साले पतला पतला लिए हो, गाड़ी कितनी झंडू लगेगी बताओ। तो लेग जो है ना तुम्हारे बॉडी 50% हिस्सा है, 50% को इग्नोर मत करो। और हमारे भाई, चाहे मैंने मसल बिल्डिंग किया चाहे फैट लॉस किया है, एक चीज मेरे रूटीन में हमेशा रही है, वो है इंस्टेंट वेदा का अश्वगंधा। मैं आपको भी इसे रिकमेंड करता हूँ। पहली बात, अश्वगंधा बहुत ही जबरदस्त चीज होती है, और इंस्टेंट वेदा का अश्वगंधा और भी ज्यादा जबरदस्त हो जाता है, क्योंकि अश्वगंधा आर्क से मिलकर बनता है। अश्वगंधा तो बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन ये नॉर्मल अश्वगंधा से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि 100 किलो जो अश्वगंधा होता है ना उसमें 10 किलो आर्क निकलता है, जो कि नॉर्मल अश्वगंधा से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। यह ग्लूटेन फ्री है, 100% आयुर्वेदिक है, केमिकल फ्री है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब भी आप इसे करेंगे आप देखेंगे आपका स्ट्रेस काफी कम कर देगा, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में हेल्प करेगा, आपकी स्लीप बेटर हो जाएगी, आपका मसल बिल्डिंग इंक्रीज हो जाएगा, स्टेमिना बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा। उसके साथ साथ जो आप वर्कआउट करते हैं बहुत ज्यादा सोरनेस हो जाता है, रिकवरी करने में हेल्प करेगा, सोरनेस को कम करने में हेल्प करेगा। ओवरऑल आपके पूरे हेल्थ के लिए स्टेमिना, पावर एंड मसल बिल्डिंग में बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले करेगा, और ये आपको यंग रखने में भी हेल्प करेगा। तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, आपके रूटीन में इसे ऐड करो, आप देखोगे कितना ज्यादा आपका जो फिटनेस है इंप्रूव होगा, पावर इंप्रूव होगी। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, जाके चेकआउट करो, और अपने रूटीन में अश्वगंधा तो जरूर ऐड करो मेरे भाई। अब दूसरा का नंबर हम लोग बात कर रहे हैं डाइट के बारे में। डाइट मतलब खानगी, क्या खाएंगे। वर्कआउट हमने कर लिया, बॉडी को तोड़ के पवार दिया, अब उसे जोड़ने के लिए, बड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, पावरफुल करने के लिए चाहिए डाइट। खाना भूलेंगे तभी तो तगड़ा दिखेंगे। उसके लिए मैं दुनिया की सबसे सस्ती डाइट तुमको बता रहा हूं, क्योंकि जो मैंने गरीबी झेली है और जिस तरीके से गरीबी में मैंने फिटनेस को कंटिन्यू किया था, वो आज तुम्हें बता रहा हूँ क्या करते। अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि अपनी लाइफ को पावरफुल तरीके से जी सके, कोनो दिक्कत ना हो, एनर्जी भरपूर रहे। उसके लिए तुम ना 3 चीज़ों पर ध्यान दो। पहला है ब्रेकफास्ट, दूसरा का लंच, तीसरा का डिनर। ब्रेकफास्ट तुम्हारा इतना भूल के होना चाहिए, अगर नमक की रोटी मिल रही है ना उसे भी साला यहाँ तक खा लो। जब तुम ब्रेकफास्ट को भूल के करोगे ना, तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिक पावर बढ़ने लगेगी, तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। लेकिन उसमें थोड़ा ध्यान दे सकते हो, थोड़ा प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए। ऐसी चीजें ऐड करो जिसमें तीनों चीजें हो, जैसे दूध हो गया, दूध के साथ बना हुआ दलिया। दलिया लोग बोलते हैं दलिया का है, दलिया गेहूं का बनता है। पतंजलि वाले खेत चला जाओगे या दुनिया कोने कोने में किराना दुकान होगी, उसमें बोलते भैया दलिया है, बहुत सस्ती मिलती है, 20-25 रुपए के 1 किलो मिल जाएगी। तुम्हें एक दिन में 100 ग्राम तो खाना है, एक का दिन पूरा नहीं खाना है, एक दिन में 100 ग्राम। इसमें क्या मिलेगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर सब तुम्हें मिल जा रहा है। इसके साथ तुम क्या करोगे, दूध में इसे उबाल लेना, या तो दूध नहीं है ना कोनो दिक्कत नहीं, पानी उबाल लो, थोड़ा चीनी डाल सकते हो, बिना मीठा तुम चल नहीं पाओगे, एक आध चम्मच चीनी डाल लेना। उसके साथ 1 या 2 केला ले लो, थोड़ा सा तुम्हें क्या होगा ना मजा आएगा खाने में, केला रहेगा तुम्हारा एनर्जी बढ़ाएगा, पावर बढ़ाएगा, पोटेशियम मिलता रहेगा। तो दलिया के साथ केला 1-2 खा लो, बहुत सही है। अगर केला नहीं ले पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, दलिया 100 ग्राम बनाओ और खा लो। घर पे अगर दूध है, भैंस वैंस है, दूध दे रही है, गाय या दूध दे रही है, 1 गिलास दूध उसके साथ मार दो, देखो कितना पावरफुल हो जाता है मैटर। सर का ऑप्शन ही है कि शाम को चना भिगो दो, सुबह साला फूल बड़ा हो जाएगा। 100 ग्राम शाम को चना भिगो दिए, सुबह क्या किया, थोड़ा सा गुड़ ढोका डाले और गुड़ और चना खाते रहे, गुड़ और चना खाते रहे, प्रोटीन मिल रहा है बे, आयरन मिल रहा है, प्रोटीन आयरन साथ साथ में कैलोरी तो मिल ही रही है। लंच में तुम्हारा प्रॉपर जो भी घर बना हो सब ले लो, सब्जी बनी है, रोटी बनी है, चावल बना है, सब लेके बैठ जाओ। साथ में काटे प्याज काट लो, टमाटर काट लो, खीरा काट लो, जो भी हो, कुछ नहीं होगा तो प्याज तो होगा ही करेगा। ओनियन बे ओनियन, प्याज ले लो और फूल के खाओ, साथ में प्याज भी खाते रहो। सलाद हो गया और तुम्हारा इसमें कार्ब हो गया, फैट हो गया,
और कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है। फिर प्रोटीनेस थोड़ी होगा, कार्ब भी जरूरी है। कार्ब के नाम पे तुम्हारे घर पे रोटी बनती है, चावल बनता है, दाल बन गया तो प्रोटीन हो गया, सब्जी बन गया, कोई दिक्कत नहीं, सब्जी में ही मार दो। डिनर आप करते हो लगभग 7-8 बजे रात को, आपको 5 बजे 4 से 5 केला खा लेना, तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगा बॉडी बनाने के लिए। तो 4 से 5 केला आप दिन भर में खाओ, और दूसरा का टाइम जो बता रहा है 5 से 6 बजे के बीच में अगर आप खाओगे ना, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, नींद लाने में अच्छा रहेगा, तुम्हारा डाइजेशन रखने में अच्छा रहेगा, ओवरऑल तुम्हें ये फिट बनाने में हेल्प करेगा। फिर रात को डिनर आ रहा है, डिनर में ज़्यादा हुल्क नहीं खाना है, हमेशा फिटनेस का मतलब ही नहीं, बॉडी बनाने का मतलब ही नहीं कि हमेशा रेलते ही रहें, इतना रेलते नहीं। अब डिनर ही तुम्हारा स्मार्ट है, आपने ब्रेकफास्ट हुल दिया खूब ज़्यादा, लंच हुल दिया खूब ज़्यादा, अब जितना कम खा सकते हो तुम डिनर में खाओ। ब्रेकफास्ट में अगर खाए थे 4 रोटी, लंच में अगर खाए थे 4 रोटी, तो डिनर में खाना है 2 रोटी, एकदम हाफ कर दो। हमको ज़्यादा हुलना नहीं है, डिनर कम रखना है, ये होता है स्मार्ट तरीका। ज़्यादा हुल लोगे डिनर में, तुम्हारा खाना बचेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, सड़ के बाहर निकल जाए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी सो रही है, खाना कौन पचा रहा है बे, खाना तुम पचा रहे हो, तुम तो सो गए ना, खाना कहाँ से पच रहा है। तो उतना खाओ जितना पच जाए, कम से कम खाओ, कम खाओ ताकि उतना ही न्यूट्रिशन मिल जाएगा ना, सुबह उठोगे एनर्जेटिक रहोगे। इतना ही तुम फॉलो करते रहो 3 महीने, वर्कआउट जो मैंने बताया, डाइटिया जो मैंने बताया, यही फॉलो करो। दुनिया कौन भी स्टूडेंट ये चीज़ फॉलो करके अपनी बॉडी बना सकता है, तगड़ा रह सकता है, ताकि स्कूल में जाओ ना तो लोग बोले यार पढ़ने भी तेज है और साले शरीर में ताकत भी है, स्मार्ट भी लग रहा है, जो कपड़ा पहनता अच्छा लगता है, काहे अच्छा लगता है कि साला झंड टाइप नहीं है, थोड़ा पावरफुल है, ताकि खेल वोल हो ना फाड़ के पवाड़ दो, रनिंग फनिंग हो ना दौड़ के पवाड़ दो, कौनो चीज़ में थकवा ही मत करो। काहे मैं तुमने फिटनेस में भी काम किया है, दिल से मैंने आपको बताया है, अगर आप फॉलो करेंगे रिजल्ट मिलेगा। दिलदानी माड़ा सिद्धू मूसेवाला।